उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों का सफेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर समय से पहले ही बाल सफेद होने लगे तो ये परेशानी वाली बात है। यदि आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो रहे हैं और आप इन्हें छुपाने के लिए केमिकल्स युक्त डाई और हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को और भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी सफेद बालों से निजात पाना चाहते हैं तो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल एक नेचुरल सी डाई, ऐसी डाई जिसे आप बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डाई आपके बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगी, जड़ों से ब्लैक करेगी, डैंड्रफ की समस्या को दूर कर देगी, बालों को कंडीशनिंग देगी, बालों में एक बाउंस देगी और ग्रोथ को डबल कर देगी। इतना पावरफुल नुस्खा है ये डाई का, तो काम ये करेगी ही करेगी, उसी के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। अगर आपके पास हरा आंवला है, यानी कि जो कच्चा आंवला होता है, अगर वो आपको मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल कर लें, वरना आप सूखे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में आंवले का सूखा पिसा हुआ पाउडर भी मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है कच्चा आंवला और उसे पीस लिया है। अब हम ले लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल देंगे आंवले के टुकड़ों को। अगर आपके पास सूखा आंवला है तो उसे इसी तरह लोहे की कढ़ाई में डाल दीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे एक अनार के छिलकों को। जी हाँ दोस्तों, अनार के छिलकों को आपने इनके छिलकों को इस्तेमाल करना है और इसे कढ़ाई में डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि अनार के छिलके और वो भी बालों के लिए। आप सभी जानते हैं कि अनार हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हैं कि जिसके छिलके को हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं वो भी उतना ही फायदेमंद है। अनार का छिलका बेहद ही गुणकारी होता है। अनार का छिलका स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। हेयर फॉल की समस्या में भी अनार का छिलका काफी काम आता है, ये इस प्रॉब्लम को जड़ से निजात दिला देता है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और कभी कभी ये टॉक्सिन्स बालों के झड़ने और ऐसे समय सफेद होने का कारण भी बनते हैं। अनार के छिलके एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होते हैं जो स्कैल्प को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और बालों के रोम छिद्रों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ले लेंगे एक अनार के छिलके को। आप चाहें तो अनार के छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, ये काफी काम आता है। ना सिर्फ ये बालों के लिए फायदेमंद है, ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप इसे फेस मास्क में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। पानी को अच्छे से उबाल आने दीजिए। जब आपका पानी उबल जाए, उसमें अच्छे से उबाल आने लग जाए तो गैस को सिम कर दीजिए। आपने इस पानी को कम से कम 5 मिनट उबालना है ताकि आंवले का और अनार के छिलकों का सारा सत इस पानी में आ जाए। जब आपको लगे कि अच्छे से उबल गया है तो आपने इस पानी में से अनार के छिलके और आंवले के टुकड़ों को निकाल देना है। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे मेहंदी। आपके बालों की जितनी लेंथ है आप उतनी मेहंदी का प्रयोग करें। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मेहंदी ली है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, ढककर इसे ऐसे ही छोड़ दें। ये देखिए, आप हेयर डाई का कलर देख सकते हैं, कितना सुंदर कलर आया है इसका। और जब आप इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे या आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। ये आपके बालों के लिए एक ऐसी रेमेडी तैयार हो चुकी है जो आपके बालों को हर तरीके से फायदा पहुंचाएगी। एक नेचुरल डाई बन चुकी है, डैंड्रफ खत्म करेगी, हेयर फॉल को रोकेगी, साथ ही साथ आपके बालों में शाइन देगी। तो जरूर इस्तेमाल करिएगा दोस्तों इसे, अपने बालों में इसे लगाइए और कम से कम 1 घंटे के लिए इसे लगे रहने दीजिए। शावर कैप पहन लीजिए, 1 घंटे बाद किसी माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।